इधर देखो कितना सुंदर लग रहा है ये, और इसीलिए लोगों को बहुत पसंद है ये। और यहाँ से इफ़ यू सी इट लुक्स रियली गुड इन द मॉर्निंग। तो हेलो गाइस, वेलकम बैक टू द चैनल वंस अगेन। देयर इज अनदर वीडियो, और इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं कि एक स्पॉट है जो मैं देखता हूँ कि बाइकर्स को बहुत पसंद है। मतलब मैं भी वहाँ पर दो चार बार जा चुका हूँ, बट आई सी लॉट ऑफ बाइकर्स देयर, वीडियोस भी देखता हूँ वहाँ के। तो हम लोग अभी वहाँ जाएंगे और देखेंगे कि भाई क्या स्पेशल है वहाँ पर जो इतने सारे बाइकर्स जाते हैं। अब बात है कि हमारे चैनल पे वीडियो कुछ 10-15 दिन से आए नहीं है, और ऐसा इसलिए है बिकॉज काफ़ी परेशानी चल रही थी पिछले कुछ दिनों में, और मैं वीडियो नहीं बना पा रहा था। मेरा तबीयत ख़राब था, और उसके बाद मेरा गला बैठ गया, गले में दर्द शुरू हो गया। अब गला काम नहीं करेगा तो भाई बात नहीं कर पाऊँगा, बात नहीं कर पाऊँगा तो फिर वीडियो बन ही नहीं पाएगा, इसीलिए वीडियो नहीं बन पा रहा था। लेकिन अभी मेरा गला ठीक हो गया, और भी बहुत सारे कॉम्प्लिकेशंस थे। आई ऑल्सो डू नॉट वॉन्ट टू स्टॉप मेकिंग वीडियोज फॉर कंटिन्यूसली 10 or 15 days, बट कुछ ना कुछ आ ही जाता है। एनीवेज, चलिए अब हम लोग आगे चलेंगे और देखते हैं ये कौन सा स्पॉट है। आगे है बिसो बांग्ला गेट, वहाँ से हम लोग लेफ्ट लेंगे। तो बहुत लोगों को पता होगा, तो जिनको पता होगा अच्छी बात है, जिनको नहीं पता है उनके लिए कुछ नया देखने को मिलेगा आज। मैं बहुत लोगों को देखा भी हूँ वीडियो में पूछते हुए कि वेयर इज़ दिस स्पॉट, एंट्री की टाइमिंग्स कब है, चार्जेस क्या है, ये सारी चीज़ें। तो इन सारे चीज़ों के बारे में हम लोग बात करेंगे इस वीडियो में आज। कोलकाता में आज थोड़ा विंटर फील हो रहा है, और थोड़ा ठंड है कोलकाता में आज। आज तक तो परसों तक एक्चुअली ऐसा लग रहा था कि विंटर आना ही नहीं है कोलकाता में इस बार, लेकिन लकीली थोड़ा बहुत आ गया, तो वी फील गुड अबाउट इट। This is what people love about this road. यहाँ पर थ्रॉटल देने में खूब मज़ा आता है, रोड भी अच्छा है, खाली रहता है मोस्ट ऑफ द टाइम। एंड दिस इज़ द बिसो बांग्ला गेट, अगर बहुत लोगों को नहीं पता है तो आप समझ गए ये टेक्नोपोलिस वाले ब्रिज से सीधे पड़ता है। पहले यहाँ पे नारकेल बागान हुआ करता था, मतलब इस जगह को नारकेल बागान बोला जाता था। तो जो लेफ्ट में हमारे है ये है इको पार्क, हम लोगों को इसी तरफ जाना है। सुबह 8 बजे ये प्लेस जो है ये खुल जाता है। पे जो बैरिकेड है ना, पता नहीं इफ़ यू कैन सी ओ नॉट, सो बैरिकेड लगा हुआ था, मैं वहाँ से आ रहा था एंड आई थॉट कि उस तरफ से एग्जिट नहीं है बिकॉज आई सॉ द बैरिकेड, सो मैं इधर से निकला और हमें पुलिस ने धप्पा दे दिया। बस उसके बाद फिर लंबा कॉन्वर्सेशन चला, हमने बताने का कोशिश किया कि हमारी गलती क्यों नहीं है, मतलब कि हमने अपना गलती माना, लेकिन ये भी बताया कि हमने बैरिकेड देखा इसीलिए वापस आए, तो बाद में उन्होंने छोड़ दिया। अच्छा चलिए, उन सब बातों के बीच में हम लोग अब अपने स्पॉट पे पहुंच ही रहे हैं। तो आपने देखा हम लोग कहाँ से लेफ्ट लिए हैं, खुला है ना भाई, हाँ खुल गया है। चलिए, जैसा कि मैं बोला ये 8 बजे खुल जाता है सुबह, अब पता नहीं फिलहाल टाइमिंग चेंज हुआ होगा तो, लेकिन लास्ट टाइम आई केम हियर ये 8 बजे ओपन हो जा रहा था। तो ये जो चीज़ है ये लोगों को बहुत पसंद आती है। अब बगल में मेरे ग्राउंड देख रहे हो, और ये शायद गोल्फ कोर्स बनने वाला है शायद। तो ये जो स्मूथ और सुंदर और वेल मेंटेन्ड रोड है ये लोगों को बहुत पसंद आता है, बाइकर्स को बहुत पसंद आता है, मेरे जैसे लोगों को, इसीलिए यहाँ पर मेरे जैसे लोग बहुत आते हैं। और भी अलग अलग तरह के लोग भी आते हैं, सिर्फ मेरे जैसे नहीं, यहाँ पे कपल्स को भी आना बहुत पसंद है जो कि मैंने देखा है, क्योंकि शाम को सूरज ढलने के बाद यहाँ अंधेरा हो जाता है, और अंधेरे में सिर्फ बैटमैन नहीं निकलता है, जी हाँ यहाँ पर। छोड़ दें वो सब बातों को, और इधर देखो कितना सुंदर लग रहा है ये,
और इसीलिए लोगों को बहुत पसंद है ये। तो यहाँ पे फोटो शूट हो रहा था, जो कि यहाँ पे बहुत कॉमन है, आपको दिख जाएगा ये सब चीज़। इधर देखो कितना ही बढ़िया लग रहा है, ये हल्का हल्का फॉगी है, ब्यूटीफुल। रोड ताज़ा ताज़ा बना है, इसके छोटे छोटे पार्टिकल्स उड़ के लग रहे हैं मेरे पैंट में भी और बाइक में भी, किट 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 करके आवाज़ आ रहा है। क्या सामने पेनिगल है? डुकाटी पेनिगल, यस इट इज़। ओह माय गॉड। और यहाँ पर ऐसी ऐसी चीज़ें दिखी जाती हैं, मतलब यू विल सी लॉट ऑफ सुपर बाइक्स, बाइकर्स, दीज थिंग्स, एंड आई विल गो हियर समवेयर हियर और मे बी दैट साइड, आई विल स्टॉप हियर। ये खुल गया, ये पहले नहीं खुलता था इतने सुबह। चलो अच्छी बात है, मतलब लोग ज़्यादा आने लगे, क्योंकि पहले ना ये बहुत खाली रहता था, क्योंकि हमारे घर से बहुत ज़्यादा दूर नहीं है ये, तो हम लोग बहुत पहले से यहाँ पर आ रहे हैं जब ये खाली रहता था, जब इवन बन रहा था ये प्लेस। बट अभी क्योंकि ज़्यादा पॉपुलर होने लगा है तो भीड़ लगने लगा है। यू कैन हैव अ लुक एट दिस आई फील्ड, अभी गोल्डन आवर का टाइम है। Looks really beautiful. If you want, you can go have some coffee there or other things, जो कि normal से थोड़ा expensive रहता है, but yes, if you want, you can have. This is how it looks. वो बीच में जो दिख रहा है ना, that is actually an island, मतलब कि man-made island है वो, और वहाँ से आप जा सकते हो रात। यहाँ पर और एक चीज़ जो मैं बताना भूल गया, अगर आप शाम को यहाँ पर आते हो, एंट्री के लिए तो कोई चार्ज नहीं है, लेकिन अगर यहाँ पर बाइक पार्क करते हो तो 20 रुपये उसका चार्ज लगता है। फिलहाल कोई पैसे लेने वाला है नहीं और ना ही उतना भीड़ है, इसीलिए मेरे से कोई पैसा नहीं लिया। तो आते हो तो इस तरफ यू कम, और एक सेकेंड इधर से घुस जाते हैं, इस तरफ जो सामने देख रहे हो यहाँ पर बाइक लगा करके यू कैन क्लिक सम ग्रेट फोटोज़। और यहाँ से इफ़ यू सी इट लुक्स रियली गुड इन द मॉर्निंग, इवनिंग में भी अच्छा लगता है इफ़ यू लाइक लाइट्स एंड ऑल, बट फॉर मी दिस लुक्स बेटर, मच बेटर देन व्हाट इट लुक्स इन द इवनिंग। पूरा LED लाइट लगा करके एकदम बर्बाद कर दिया जाता है इसको, बट एनीवेज बहुत ख़राब नहीं लगता है, आप आ करके देख सकते हो। शाम को लेक बड़ा सुंदर लगता है, तो यस बढ़िया बनाया ये जगह इन्होंने और अच्छा से मेंटेन भी किया है। और ये जो जगह से मैं घुसा और निकला, इसके लिए कोई एंट्री फी वगैरह नहीं लगता है, सो या दैट इज़ द गुड पार्ट। यहाँ पे अभी रिसेंटली बहुत ही बड़ा मेला लगा हुआ था, जो खाली एरिया आप देख रहे हो ये और ये। अगर आपको याद होगा, मैंने जो पहला वीडियो बनाया था ये बाइक लेने के बाद, वो यहीं पर आकर के बनाया था। और यहाँ पे नॉर्मली आपको बहुत सारे सुपर बाइक्स वाले लोग दिख जाएंगे, जैसा कि मैं बोला कि बाइकर्स को बहुत पसंद है ये प्लेस। तो ये प्लेस जो है ना, ये बाइक राइड, और बाइक राइड तो मैं नहीं बोलूँगा, बिकॉज अब क्या ही बाइक राइड करोगे यहाँ पर। धीरे धीरे यू कैन एन्जॉय द ब्यूटी ऑफ दिस प्लेस। साइकिलिंग के लिए काफ़ी अच्छा एरिया, और मॉर्निंग वॉक के लिए भी। और एक चीज़ है जो मैं बताना चाहता हूँ, कि अगर आपको क्राउड पसंद नहीं है ना, तो वीकेंड पर मत आना, खासकर वीकेंड में शाम को बहुत ज़्यादा भीड़ हो जाता है यहाँ पर। एनीवेज सबके अपने अपने प्रेफरेंस होते हैं, तो जैसा आपको पसंद है। व्हाट आई प्रेफर इज थोड़ा खाली रहे प्लेस, तो अच्छा लगता है। मैं यहाँ पर जब भी आता हूँ, आई कम ऑन वीकडेज ओनली, सो वो है वो आइलैंड जिसका मैं बात कर रहा था। सो यू कैन बुक रूम एज वेल वहाँ पर। ये इसीलिए लोगों को पसंद आता है ना, बिकॉज अच्छे से मेंटेन किया हुआ है, नीट एंड क्लीन है, ग्रीन है। और हाँ, एक और चीज़ है कि अगर आप यहाँ से जब उस तरफ से एंट्री लेते हो और एग्जिट में भी, पुलिस वाले बहुत रहते हैं। तो इफ़ यू आर समवन जो बिना हेलमेट के आना पसंद करता है और बिना प्रॉपर डॉक्यूमेंट्स के, आप प्रॉब्लम में पड़ सकते हो। तो इन सभी चीज़ों का ध्यान रखना, एंट्री और एग्जिट पे पुलिस वाले हमेशा रहते हैं शाम को। देखो यहाँ पे गोल्फबाजी भी चल रही है इधर। अच्छा, ये अच्छा गोल्फ कोर्स होगा, ये अच्छा बड़ा एरिया है, ग्रीन है, सुंदर है। ये देखो फिर से डुकाटी पेनिगल, ये देखो वीडियो बन रहा है। मतलब यहाँ के बहुत सारे वीडियोस आप इंस्टाग्राम पे देखोगे। यहाँ से निकले हम लोग अभी, चलिए जी
फिर से भी आएंगे यहाँ पर अभी थोड़े देर के बाद, आज या फिर शायद कल फिर से यहाँ पर आएंगे। एक और वीडियो मेरे को शूट करना है, वो वीडियो बेसिकली होगा बाइक के रिव्यू के बारे में, ऑल द स्मॉल डिटेल्स एंड बिग डिटेल्स एज वेल, बिकॉज बहुत लोगों ने बहुत सारे सवाल भी पूछे हैं इन रिसेंट टाइम्स इन इंस्टाग्राम एंड यूट्यूब। और ऐसे भी वो वीडियो मुझे बनाना भी था बिकॉज उसमें व्यूज भी अच्छा आ जाता है। और हम लोग आ गए हैं फिर से विश्व बांग्ला गेट। जब फॉग हो जाता है ना पूरा, मतलब जनरली तो देखने को उतना फॉग नहीं मिलता है यहाँ पर, बट जब फॉग हो जाता है ना ये बड़ा सुंदर लगता है, ऊपर से पूरा फॉग आ जाता है। एक बार तो ढक गया था ये फॉग से, बहुत सुंदर लग रहा था उस वक्त। ठीक है गाइज, इस वीडियो को यहीं पर एंड करते हैं। आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा तो लाइक जरूर करना, चैनल पर नहीं हो तो सब्सक्राइब भी कर लो, बिकॉज बहुत ही जल्दी आपको एक नया राइड का वीडियो देखने को मिलेगा जो कि अगेन बहुत ही इंटरेस्टिंग होगा। सो यस, कंटेंट मिलते जाएंगे आप, और बहुत ही जल्दी लंबे राइड पे जाने वाले हैं तो मज़ा तो आने ही वाला है। तो ठीक है, चैनल को सब्सक्राइब कर लो, वीडियो को लाइक ज़रूर करना। ठीक है, फिर मिलते हैं अगले वीडियो।